कोई कार्य नहीं हुआ अभी, कुछ भी कार्य नहीं हुआ। पहले भारतीय जनता पार्टी के राज में, भारतीय जनता पार्टी का रोड है देख लो आप, 8 साल हो गए अभी तक टूटा भी नहीं है। आंध्रमराज आपके हिसाब से क्या रुझान है? रुझान तो यही बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी। राजेंद्र सुथार बोलो, आपकी तरफ से यहाँ क्या रुझान है? रुझान के यहाँ तो बीजेपी का माहौल है सारा ही, सारा ही। कांग्रेस का? कांग्रेस का भी है पर इतना नहीं है। कितना परसेंट होगा कांग्रेस बीजेपी? कहेगा 10-20% हो तो हो, तो कहीं को नहीं। रामीणा यही के रहने वाले? नहीं, मालपुरा। मालपुरा तो ये विधानसभा चुनाव में आपके इधर के क्या रुझान है? रुझान तो लगभग ये मान लो कि इस बार तो बीजेपी जीत रही है, क्योंकि सामने जो वाला जो विधायक है ना, एक तो क्या के बात करने की तमीज नहीं, कोई भी काम लेके जाता है तो कहाँ से आया, किस लिए आया है, चोर साले तुम, ऐसे बोलते हैं। मतलब यूपी के है ना, उधर के अपने मेवाड़ वाली बात अलग है, राजस्थान वाली बात अलग है। यहाँ मतलब काम से मतलब तुलना नहीं करते लोग, इज्जत से तुलना करते, सबसे मेन बात ये। काम तो देखो करवाया नहीं करवाया कोई बात नहीं, बीजेपी राज में रोड बना, मॉडल स्कूल बना, और जगह जगह खुले बरामदे बने, मॉडल तलाई बन गई जर्जनी में इस गांव में। मतलब काम बीजेपी ने खूब करवाया, कांग्रेस ने भी मान लो करवाए होंगे पहले, लेकिन मान सम्मान की मर्यादा नहीं है, मेन बात यह है। इसलिए यहाँ से तो कुंडाल से तो मैं यहाँ की नहीं, पूरी कुंडाल से पिछड़ रही है अभी का कांग्रेस। तो आपके क्षेत्र में अभी कौन कौन सी कमियां है? क्षेत्र में तो बहुत सारी कमियां तो कभी पूरी हो भी नहीं रही, नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक इंसान रहेगा कमी तो कोई पूरा कर ही नहीं सकता। इन 5 सालों में कौन कौन से विकास हुए आपके? यहाँ तो कोई भी विकास नहीं है कुंडाल में, तो मैं बताऊँ आपको कि मुश्किल से 5 लाख रुपए भी नहीं दिए होंगे। कहीं पे भी घूम लो आप कुंडाल में, एक भी काम नहीं हुआ कुंडाल के अंदर 5 सालों में, कुछ विकास कुछ भी नहीं हुआ। इस 5 साल में नहीं हुआ, पहले वाले 5 साल में 2 बरामदे बनाए थे, खुले बरामदे, एक तो खातीखेड़ा में माता जी के वहाँ, और ये जर्जनी बने पहले भारतीय जनता पार्टी के राज में। उससे पहले जो विदुरी जी थे ना, उससे पहले भी यहाँ 2 खुले बरामदे बने, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ था। देखो वोट तो देखो विकास को भी देखते हैं, मान सम्मान को भी देखते हैं, हम तो देखो ऐसे भी मीणे हैं, हम तो ज्यादातर कांग्रेस को ही देते हैं, पर इस बार नहीं देखते। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपको नाम? जर्जनी। तो ये विधानसभा चुनाव आपके इधर की क्या रुझान है अभी? यहाँ तो बस बीजेपी आएगी, बीजेपी को ज्यादा रुझान है। तो बीजेपी क्यों आएगी? तो एक कारण तो होगा कुछ आपके हिसाब से? खुद बीजेपी का कारण यही नहीं कि हरियाणा राजस्थान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ थी, पहले कांग्रेस आई तो फिर बीजेपी आनी आनी कैसे इस बार परिवर्तन होगा? निश्चित होगा, हर बार होती आ रही है, अब कहीं हमेशा होती आ रही ये बात नहीं। तो यार कोई भी बोल लो, हर साल हर 5 साल में परिवर्तन होती आई, परिवर्तन होता है, हो गए होगा वो, बीजेपी का नंबर अब कांग्रेस से जाएगी। सरकार रिपीट तो नहीं होगी वापिस? शंकर सेन कहाँ के रहने वाले? जर्जनी वाले, जर्जनी। तो ये विधानसभा चुनाव है, तो आपकी तरफ से क्या रुझान है इधर? रुझान हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बाकी हकीकत तो ये है कि हम दोनों पार्टियों से नाराज हैं। नाराज है? नाराजगी के कारण, मैं नाराजगी का कारण दिखाऊं आपको। हमारे क्षेत्र में जो ये जो प्लांट लगा हुआ है जी, 1 से लेकर 8-9 तक का प्रोजेक्ट चालू है, जिसमें क्षेत्रीय बच्चों का कोई भी आरक्षण नहीं है भाई साहब। और न कांग्रेस वालों का मत है इसमें, और न बीजेपी वालों को है, दोनों अपनी अपनी जेबें भरते हैं और दोनों ही चोर है। उसका कारण ये है कि क्षेत्र के तो दिया तले अंधेरा, रेडिशन हम खा रहे हैं, मेहनत हम करते हैं, और हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, हम जमीन बेच के धंधा उनको धंधा लगाने की कोशिश करते हैं, और हमारे यहाँ कोई आरक्षित है। महाराष्ट्र में है जो NPCL के जो भी प्रोजेक्ट है पूरे इंडिया के अंदर, वहाँ क्षेत्र का आरक्षण है, हमारे यहाँ कोई भी आरक्षण नहीं है।
आरक्षितता होनी चाहिए, हमारे को फायदा मिलनी चाहिए। ARSS ये जो ये प्लांट जो काम करवाता है इसका ये इसके इनके स्तर पे काम होता है, जबकि ये पंचायत लेवल के स्तर पे काम होना चाहिए। उसका कारण मैं दिखाऊं आपको कि जो 2% अनुदान आता है इस CSR का, वो ये विधायक के MLA के सरपंच के थ्रू नहीं होना चाहिए, ये हर ग्राम पंचायत के अकाउंट में डिवाइड होके वो फंड डालना चाहिए और वो गांव की कमेटी बना के वो पैसा विकास के स्तर पर लगना चाहिए। हमारे को न तो कोई फायदा नहीं है इनसे प्लांट से, हम रेडिएशन कर रहे हैं और हमारी विकलांगता नपुंसकता और मतलब बहुत सारी बीमारियां बच्चे प्लांट के द्वारा ये प्लांट का इन्फेक्शन हो रहा है बच्चा। तो हकीकत ये है कि हमारे क्षेत्र में चिकित्सा और बिजली ये होना चाहिए। CSR में काम हो रहा है, CSR वालों को एक ऐसी कमेटी बनाना चाहिए जिसमें मतलब कॉलेज बने और हमारे क्षेत्र के बच्चे ही उसमें प्रवेश करें और वो ही बच्चे यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कर सके, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। गांव के लोग कुछ समझते हैं नहीं, गरीब जनता है, विदुड़ी साहब से डरते हैं, सुरेश धाकड़ से डरते हैं और ये दोनों पार्टियां इनकी जेब में रही है। अधिकार डरना कोई बात नहीं, डरना तो है, वो तो मरवा दे गुंडे हैं दोनों। विदुड़ी साहब ही बहुत भारी नेता है और सुरेश धाकड़ जी बहुत भारी नेता है, तो ये तो मरवा दे आदमियों को दोनों पार्टियां। तो हम तो दोनों पार्टियों से नाराज है, हम न कांग्रेस को वोट देंगे न बीजेपी को देंगे, हम नोटों पे बटन दबाएंगे। तो इनके दोनों के अलावा और कैंडिडेट भी थे, और कैंडिडेट हमारे समझ में नहीं आ रहा है ना, उसका कारण ये है कि हकीकत तो ये है विदुड़ी साहब एक मिनट में काम करवा सकते हैं अगर चाहे तो, एक मिनट के 34 हिस्से में काम करवा सकते हैं विदुड़ी साहब, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा काम एक मिनट में। बाकी क्षेत्रीय बच्चों को कोई ध्यान नहीं देता है, न सुरेश धाकड़ देता है, वो भी एक मिनट के 34 में काम करवा सकता है। दोनों पार्टियां काम नहीं करना चाहती, हम इनका स्वागत करते हैं, हमारे को इनसे कोई एलर्जी नहीं है, पर हमारे क्षेत्र का विकास तो होना चाहिए सर, हमारे को विदुड़ी साहब से कोई एलर्जी नहीं है, पर कम से कम क्षेत्र के लोगों से कम मिलजुल के उनको कुछ आरक्षित सीटें तो दिलाना चाहिए। तो कांग्रेस और बीजेपी में आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है? नहीं होती है, कांग्रेस ही नहीं करती है, बीजेपी नहीं करती है, हम सुरेश जी धाकड़ से भी खिलाफ नहीं है और विदुड़ी जी भी खिलाफ नहीं है, हमारे वो जो भी बनेगा वो हमारा नेता होगा, हम मानते हैं उनको, बाकी हकीकत यह है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हमारे को हमारी मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरे को कोई इनसे कोई एलर्जी नहीं है, ये है बात। धन्यवाद। नमस्कार, आपको नाम? गंगाराम। गांव का नाम? जजनी। यही के रहने वाले? ते विधानसभा चुनाव है अभी, तो आपके हिसाब से कैसे रुझान है आपकी तरफ से? हमारे विधायक साहब बहुत अच्छे रुझान है। तो आपके क्षेत्र में 5 सालों में कौन कौन से विकास कार्य करवाए? सब विकास कार्य कर रहे हैं साहब ने, ट्रॉमा सेंटर खोल दिया रात बड़े में, बहुत काम करा है, स्कूल बड़े से बड़े स्कूल बना दिया उन्होंने, बहुत बड़े काम किया है। और भी आपके क्षेत्र की बोलो ना, क्षेत्र हमारा कुंडल एक क्षेत्र आ रही है, कुंडल में आ रही। तो आपके गाँव में भी कुछ विकास हुआ तो उनके बारे में? गाँव में बहुत किया उन्होंने, पाइप डला दी, अभी नल चल होने वाले है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का राज था 5 साल पहले, उन्होंने भी काम बड़े करे। उन्होंने कौन कौन से काम करवाए? सामने नीर की घोषणा भी करी उधर, सामने सही हो गया, सब कम्प्लीट है। और आपके क्षेत्र में अभी और कौन कौन सी कमियां हैं? कमियां तो साहब तो नीर की कमी है पानी की, ठीक है, और ये लाइट का 5 घंटे 6 घंटे लाइट आते, जो पहले 5 साल में लाइट कितनी आती थी? 5 साल में पहले भारतीय जनता पार्टी के राज में कितनी लाइट आई? साफ जनता पार्टी के राज में तो रोज ज्यादा मोटर रोज इंजन आता, तार काटता, फिर करता, फिर लोग किसान परेशान। साहब का एक फोन बने कोई लेन में नहीं देख बने, नाम ने तो जुड़े साहब को मात्र ये में काफी है। ये भाई साहब देखा जर्दनी, ये विधानसभा चुनाव है अभी, तो आपकी तरफ क्या रुझान है अभी? कहीं रुझान को नहीं, क्या काम कर दिया सरकार ने ऐसा, हमारे गांव में कुछ ही काम नहीं हुआ अभी तक। इन 5 सालों में कौन कौन से काम हुए? कुछ काम नहीं हुआ गांव में, तो कुछ भी काम नहीं हुआ अभी तक, कुछ काम नहीं हुआ, राज बैठे के अलावा कुछ काम नहीं हुआ। कुंडाल मोर बताओ, इस क्षेत्र में कुछ कार्य नहीं हुआ?
इनसे पहले 5 सालों में हुआ था तो थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ, और ज्यादा थोड़ी हुआ काम, तो एक दो हुआ तो गिनाओ कौन कौन से हुए, कौन कौन से काम की कमी है। तो कुछ ही काम नहीं हुआ, प्लांट के थ्रू हो रहा काम जो भी हो रहा। जो तो आपके क्षेत्र में अभी कौन कौन सी कमियां हैं? बहुत कमियां, अभी तो नियर की कमी हमारे, हाँ रोजगार ही नहीं मिल रहा प्लांट से, बहुत बंदे गाँव में घूम रहे, सब बाहरी लोग, बिहार से आ रहे लोग काम करने के लिए। तुम्हारे क्षेत्र के नहीं है? नहीं है, जो भी जाते हैं वो क्या के छोटा मोटा काम कर, जैसे कि श्रेय शेटिंग इन में लगाते, सप्लाई में लगाते, पत्थर फोड़ना ऐसा काम करते हैं हमारे। तो आपके हिसाब से सरकार वापिस रिपीट होगी तो अच्छा है, या परिवर्तन हो तो अच्छा? परिवर्तन हो तो अच्छा आपके हिसाब से? ये बताओ सरकार रिपीट हो तो ठीक है, परिवर्तन हो तो ठीक है? परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। रिपीट हो तो ठीक है, परिवर्तन नहीं हो तो ठीक है। ठीक है, बिदुड़ी साहब जीतेगा, जीतेगा बिदुड़ी। आबाद ठाको नाम राधा भाई, गाँव को नाम जर्दनी अटकई रे, हाँ अटकई रे बाला। तो ये बोल विधानसभा चुनाव आ रही है, थकी तरफ मुख्य रुझान किसी पार्टी आगे चाली? बिदुड़ी साहब आए। तो बिदुड़ी साहब ने था क्षेत्र में काम करियो बण करियो तो करियो सब करियो बापड़ा ने, ये रोड बनाया यार, सपाखाना बनाया यार, पीछे पेमसना बांधी मन का कह यार, नहीं करया करया? तो था ना पूछ रिया ने बात, हां पूछे करियो ना काम। तो अब के और की चीज की कमी है था और तो कई कमी को ने, मां कैसे झोपड़ा देखो ये पानी भरा रिया, या झोपड़ा ही बनाओ, घर छारियो, घर छारियो ना घर कटा मांग, और ई अलावा नेरा सारी नेर खाड़ो भाई, मांगे तो कहेंगे झूपड़ो तो मान तो खा लो, जिसे हो जिसे हमने बापड़ा फाच का मन कहेंगे तो सोरा साबरा तो सातों रगा बुढ़ा मन तो कहेंगे नहीं ये दिरिया पोड़नी दियो नहीं तो मर मुरा जाऊंगा, पर फाच का तो चेहरे नहीं। तो सरकार परिवर्तन हो तो बढ़िया की या हवे जे बढ़िया तो है जे बढ़िया हां जे बढ़िया मांग दो। चलो धन्यवाद। राम राम बा इमराम। के नाम आपको? बानीला। गांव को नाम? जर्जनी। बता गए रे बोला अठे, ये विधानसभा चुनाव आ रही है बनो? हाँ आ रही है। तो अथा की अथा का क्षेत्र में कहीं रुझान चल रहा बनो? वो रुझान को अपना कहीं तोल पड़ा बुढ़ा आदमी तो ही दावा था, तो आज तो ना सर्वे चल रही मगर तो जो पत्तों को नुकसान की चाल यहाँ तो अधिकतर तो दो ही पार्टियां की है, पर तिरकोणी वोट ही बढ़ गए। तो आप बड़ी ये 5 साल के महीने आपका क्षेत्र में कहीं के विकास हो? यहाँ 5 साल में हाँ देख लो कहीं विकास हो रही है, जो माँ को गांव तो यो कदम पुड़ियो जो पुड़ियो ही है, यो बाणु मात्र थोड़ो कदम तो पुड़ियो है। हाँ तो कदम ये 5 साल ये क्यों पहली 5 साल में कहीं के विकास हो? इशू पहली हाँ वो नहीं थोड़ो बड़ो भारतीय जनता पार्टी का राज में कहीं के हो आचार संहिता लागी है, आचार संहिता लागी फैली भी हो रही काम तो क्षेत्र में और की चीज की कमियां है बनो? कमियां तो कहनी मां के तो गिनाओ ने एक दो के ये खास कमियां है बनो? कहीं गुनावा वैसी याद नहीं थी बा मग यो गैस सिलेंडर का कभी कराओ खुला है, खुला वाला तो दे दिया वहां ने, ये तो दे आज 7-8 साल हो गया। हाँ पर वह सब्सिडी आई नहीं, हाँ सब्सिडी आई नहीं रही मग प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा आवे के 2000 रुपया खत्म आवे और कहीं की योजना को लाभ मिल रही? माँ के तो कहीं लाभ नहीं मिल रहा, गेहूं मिल रहा? हाँ गेहूं तो मिल रहा, गेहूं तो दे ही रहा, गेहूं तो दगा नहीं जहाँ तक बीपीएल में रखना, बीपीएल में रंगा आते तो दगे
फिर जो फिर जाने कई बार सरकार परिवर्तन हुआ तो बढ़िया है, जे बने तो बढ़िया परिवर्तन होगा, परिवर्तन हुआ तो